बेसिक शिक्षा से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज एक वीडियो में ही देखेंगे जो भी खबरें हैं। तो सबसे पहले है, शिक्षकों ने मांगा तबादला, स्थानांतरण से पढ़ाई पर संकट के खतरे से विभाग हुआ सतर्क। तो देखते हैं किस प्रकार से ये परेशानी हो सकती है यदि स्थानांतरण हो जाते हैं। तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया में कुछ विद्यालयों से कई शिक्षकों द्वारा आवेदन करने से नया संकट खड़ा हो गया है। तबादला सूची जारी करने से कहीं संबंधित विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित ना हो जाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्पष्ट होना चाहता है। ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों से संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति के बारे में 10 अगस्त को जानकारी मांगी है। अब यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको निदेशालय ने एडेड विद्यालयों के शिक्षकों को पहली बार ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया जुलाई में शुरू की है। जुलाई अंत तक तबादला किए जाने की तैयारी थी, लेकिन उस समय विद्यालय से संस्तुति के बाद शिक्षकों के आवेदन पत्र जिले और मंडल से होकर निदेशालय तक आए तो अजीब स्थिति बन गई। कुछ विद्यालय ऐसे थे जहां से 5-6 शिक्षकों के आवेदन मिले थे। ऐसे में अपर सचिव माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने विद्यालय में राजकीय कोष से वेतन पाने वाले शिक्षकों के बारे में सूचना मांगी। इसके लिए एक प्रारूप जारी किया गया जिसमें सूचना दर्ज कर मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी, जिसमें मुख्य रूप से जहां से शिक्षक ऑनलाइन तबादला चाहते हैं उस विद्यालय का नाम, कार्यरत अध्यापकों, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक का नाम व पद देना है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के नाम, पदनाम के साथ विद्यालय में पंजीकृत छात्रों का विवरण भी देना है। इसमें यह बात विशेष तौर से स्पष्ट की गई थी। अब देखते हैं दूसरी खबर जो है यहाँ से निकल के आ रही है, जल्द मिल सकती है साप्ताहिक बंदी से राहत, मुख्यमंत्री सीएम योगी। तो जैसे कि शनिवार और संडे, यानी कि सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को जो साप्ताहिक बंदी चल रही है इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उससे जल्द राहत मिलने के आसार हैं। लखनऊ से ये खबर है, कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जान के साथ जहान को बचाने की चिंता जताई। संक्रमण काल में भी उद्योग समेत तमाम आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को जारी रखा, फिर कोरोना जैसे जैसे कमजोर होता गया कोरोना कर्फ्यू की बंदी से ढीली करती गई। अब प्रदेशवासियों को 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से भी राहत की प्रतीक्षा है, क्योंकि मामले काफ़ी घट गए हैं और स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो विशेषज्ञों की राय है कि बाद में सरकार 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला कर सकती है। तो इसी मद्देनज़र कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पल्लेकारी हुई तो लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए चरणवार तरीके से शुक्रवार, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी लगा दी गई थी। फिर जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो सरकार ने बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, दफ्तर खोलने के साथ साप्ताहिक बंदी को भी घटाकर 2 दिन कर दिया। अब चूँकि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में काबू में नज़र आ रहा है, इसलिए सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने के लिए फैसला ले लिया है। यूँ धीरे धीरे सभी प्रतिबंध लगभग खत्म हो चुके हैं, ऐसे में लोगों को साप्ताहिक बंदी से भी राहत का इंतजार है। तो व्यापारी और कारोबारी इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि अधिकांश नौकर पेशा लोग वीकेंड पर खरीदारी के लिए निकलते हैं। उन 2 दिनों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने से कारोबार प्रभावित हो रहा है, वहीं आमजन की समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है। बाकी दिन कामकाज के होते हैं, शनिवार और रविवार की खरीदारी आदि के लिए मिलते हैं। वहीं सरकार इसलिए सतर्कता बरत रही है, कहीं अगस्त मध्य या अंत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कुछ चिंता व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञ अंदेशा भी जता चुके हैं, संभव है कि अगस्त तक स्थिति पर नज़र रखी जाए, संक्रमण के मामले में ना बढ़ें इसके लिए साप्ताहिक बंदी से छूट दे दी जाएगी, लेकिन घटे मामले और विशेषज्ञों के सुझाव पर कदम बढ़ाएगी सरकार। जल्द हो सकता है 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला, 2 दिन की बंदी के कारण व्यापार हो रहा है प्रभावित। सरकार चाहती है कि आमजन को राहत मिले, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता भी करनी होगी। कोरोना के केस तो घटे हैं, लेकिन नए वेरियंट पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है। तीसरी लहर की आशंका खत्म हो जाए तभी साप्ताहिक बंदी पर निर्णय लिया जाएगा। आरके तिवारी, मुख्य सचिव। तो यहाँ से आपने ये महत्वपूर्ण और डिटेल में खबर को सुना। चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। चंदौली जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला, पद स्थापना आदेश जारी किया।
तो वहाँ पर जो भी खंड शिक्षा अधिकारी पहुँचे उनको पदस्थापित किया गया है। उसी संबंध में 6 तारीख को ये जारी किया गया था। जैसे कि सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कार्यरत ब्लॉक चकिया में थे, अब उनको सकलडीहा में कर दिया गया है। श्री प्रकाश चंद्र यादव साहबगंज थे, चकिया पहुंच गए हैं। श्री राकेश कुमार जी बरहनी थे, नियमिताबाद पहुंच गए। कन्हैया लाल जी धानापुर थे और ये बरहनी पहुंच गए। श्री अरविंद कुमार यादव नौगढ़ थे, सहवागंज पहुंच गए हैं। विजय प्रकाश यादव सदर थे, धानापुर पहुंच गए। और सुरेंद्र बहादुर सिंह सकलडीहा थे, वो सदर पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, भौतिक पठन पाठन ना होने के कारण पुस्तकों के वितरण की नितांत आवश्यकता है और इनकी आवश्यकता होने के कारण पुस्तक वितरण प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए बेसिक शिक्षा ने इसका खेद जताया है और समस्त बीएसओ को तत्काल विवरण पूर्ण करने का आदेश दिया है। तो तत्काल वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो भी हो ये समय बताएगा कि कब इनको बच्चों को पुस्तकें मिल पाएंगी। शैक्षिक सत्र 21-22 की मुद्रित प्रकाशित कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के वितरण कराए जाने के संबंध में ये आदेश भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो इस आदेश में साफ किया गया है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य निःशुल्क वितरण वाला करवा लिया जाए, पुस्तकों का 100% वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि जो अभी फिजिकली क्लास नहीं चल रहे हैं तो बच्चे कम से कम घर पर अपनी बुक्स के माध्यम से अपनी शिक्षा ले सकें, पढ़ाई कर सकें, जिससे कि वो अपने जो पढ़ाई है उससे कंटिन्यू जुड़े रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर एक और लेते हैं। आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं को डिलीट किए जाने के संबंध में, तो देखना है जो DBT पर छात्र छात्राएँ हैं उनको किस प्रकार से क्या इस मामले में आदेश है डिलीट करने के लिए। तो लखनऊ मंडल के परिषदीय विद्यालयों और साहित्यित विद्यालयों में आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार सीडिंग किए जाने पर आधार वॉल्ट में 40,636 डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूचना सही या डिलीट किए जाने के संबंध में ये आदेश किया गया है। तो यहाँ पर हम सीधे पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट वो जो भी हैं इम्पोर्टेंट हैं। जैसे समस्त डुप्लीकेट छात्र छात्राओं की सूची एक्सेल में विद्यालय के नाम के साथ आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें डुप्लीकेट छात्र छात्रा 2 या 2 से अधिक विद्यालयों में नामांकित हैं को सही किए जाने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के समन्वय के उपरांत ही की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, चूँकि एक ही आधार वाले छात्र छात्रा 1 से अधिक विद्यालयों में नामांकित हैं, ऐसी स्थिति में उस छात्र छात्रा का नामांकन किसी एक स्कूल में रखा जाएगा तथा अन्य विद्यालय से उसका नामांकन एवं विवरण खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की पुष्टि के उपरांत डिलीट किया जाएगा तथा संबंधित अभिभावक को सूचित भी किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ ये किया गया है कि उनको सूचना भी देनी है। तो इस प्रकार से आज की जो महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें थी वो हमने आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अन्य शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करिएगा।